स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? ए. ध्रुव ग्यालपो का आदेश, बी. हिमालय का क्रम, सी. ड्रैगन का आदेश, डी. भूटान का आदेश। आंसर ए. ध्रुव ग्यालपो का आदेश। एक्सप्लेनेशन: भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ध्रुव ग्यालपो से सम्मानित किया। अगला प्रश्न: किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 22 मार्च, बी. 23 मार्च, सी. 24 मार्च, डी. 25 मार्च। आंसर बी. 23 मार्च। एक्सप्लेनेशन: 23 मार्च 1931 को तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई। इतिहास की इस बड़ी घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न: नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. मेघालय, डी. नागालैंड। आंसर डी. नागालैंड। एक्सप्लेनेशन: नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3,000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमोकेदिमा, दिमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगला प्रश्न: हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ए. गंगा, बी. राहत, सी. इंद्रावती, डी. मैत्री। आंसर सी. इंद्रावती। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इसके तहत गुरुवार देर रात 12 लोगों को कैरेबियाई द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। हैती में 23 दिनों से हिंसा जारी है, सड़कों पर लाशें बिछी हैं। 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की अज्ञात हमलावरों ने उनके आधिकारिक आवास पर हत्या कर दी थी। तब से कैरेबियाई राष्ट्र हैती 2 वर्षों से अधिक समय से व्यापक गिरोह हिंसा से त्रस्त है। अगला प्रश्न: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ए. अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी, बी. भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, सी. भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया, डी. शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार। आंसर बी. भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। एक्सप्लेनेशन: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। ईडी ने अदालत में कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं तथा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल हैं। इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली गई, जिसे आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, जिसके मुख्य निर्णयकर्ता केजरीवाल हैं। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 22 मार्च, बी. 23 मार्च, सी. 24 मार्च, डी. 25 मार्च। आंसर सी. 24 मार्च। एक्सप्लेनेशन: टीवी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। ये वह दिन है जब 1882 में टीवी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की गई थी। विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय था, हम टीवी खत्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न: 20 मार्च को जारी एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का सौर कचरा 2030 तक कितना किलोटन तक पहुंच सकता है? ए. 300, बी. 400, सी. 500, डी. 600। आंसर डी. 600। एक्सप्लेनेशन: 20 मार्च को जारी एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का सौर कचरा 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंच सकता है, जो 720 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भरने के बराबर है। इस कचरे का लगभग 67% हिस्सा 5 राज्यों राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आएगा। अगला प्रश्न: 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए. जापान, बी. दक्षिण कोरिया, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. यूनाइटेड किंगडम। आंसर बी.
दक्षिण कोरिया। एक्सप्लेनेशन: दक्षिण कोरिया ने 18-20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा सत्तावाद से लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न: भारत के पहले इंडो एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. उड़ीसा, बी. महाराष्ट्र, सी. दिल्ली, डी. कर्नाटक। आंसर: ए. उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन: उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री के अनुसार नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी बाधा के भय के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। अगला प्रश्न: कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित दो डोनियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहा है? ए. आर्मेनिया, बी. गुयाना, सी. इंडोनेशिया, डी. सिंगापुर। आंसर: बी. गुयाना। एक्सप्लेनेशन: गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित दो डोनियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। गुयाना के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के डिप्टी GM के बीच शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। HAL डोनियर 228 विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग STOL के लिए आदर्श हैं, जो गुयाना के इलाके के लिए उपयुक्त हैं। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ए. बिहार, बी. कर्नाटक, सी. पश्चिम बंगाल, डी. छत्तीसगढ़। आंसर: ए. बिहार। एक्सप्लेनेशन: बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता है। पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। ये बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ए. यूक्रेन, बी. अमेरिका, सी. भारत, डी. ऑस्ट्रिया। आंसर: बी. अमेरिका। एक्सप्लेनेशन: मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल अमेरिका ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि सुअर की किडनी किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। इसके अलावा दो पुरुषों को पिग हॉर्न ट्रांसप्लांट सुअरों से हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, हालांकि दोनों की कुछ महीनों के भीतर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न: रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ARK अग्रवाल, बी. अजय नागर, सी. परसोत्तम रूपाला, डी. विनय कुमार। आंसर: डी. विनय कुमार। एक्सप्लेनेशन: विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है। विनय कुमार 1992 बैच के IFS अधिकारी है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अगला प्रश्न: चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया? ए. ताशकंद, बी. शंघाई, सी. नई दिल्ली, डी. मॉस्को। आंसर: सी. नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: शंघाई सहयोग संगठन ACO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। अगला प्रश्न: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. अराव एग्रीटेक, बी. धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सी. क्रॉफॉर्म, डी. एग्रीएक्स लैब। आंसर: बी. धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुँचाना है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक TB वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? ए. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बी. स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, सी. वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग, डी. बायोफेब्री। आंसर: ए. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड।
एक्सप्लेनेशन। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। जल्दी ही यह सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पार करते हुए लोगों तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहां हुआ? ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी पंचकुला हरियाणा, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी मुंबई महाराष्ट्र। आंसर बी पंचकुला हरियाणा। एक्सप्लेनेशन। भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडो स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी, इसका क्या नाम रखा गया था? ए सार्थक, बी अभय, सी अटल, डी शिव शक्ति। आंसर डी शिव शक्ति। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। PM मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए जयपुर, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। आंसर सी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन। 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आयोजन 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आंसर बी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता। लड़कियों के वर्ग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा ने 64 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहकर खिताब का बचाव किया, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र क्रमशः 34 और 31 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? ए सी ट्रैक, बी सी इलेक्ट, सी सी रिपोर्ट, डी सी विजिल। आंसर डी सी विजिल। एक्सप्लेनेशन। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? ए एलोन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी जेफ बेजोस, डी बर्नार्ड अर्नोल्ड। आंसर ए एलोन मस्क। एक्सप्लेनेशन। एलोन मस्क ने 231 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया। उसके बाद जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? ए टोक्यो, बी मुंबई, सी सियोल, डी शंघाई। आंसर बी मुंबई। एक्सप्लेनेशन। मुंबई पहली बार एशिया अरबपति की राजधानी बना है। हुरुन रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में अरबपति की संख्या 91 है और मुंबई में अरबपति की संख्या 92 है। विश्व स्तर पर न्यूयॉर्क 119 बिलियनर के साथ पहले और लंदन में 97 बिलियनर अरबपति के साथ दूसरे तथा 92 अरबपति की संख्या के साथ भारत तीसरे पायदान पर आता है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में बाल्टीमो मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? ए तेज हवाएं, बी संरचनात्मक विफलता, सी मालवाहक जहाज की टक्कर, डी भूकंप। आंसर सी मालवाहक जहाज की टक्कर। एक्सप्लेनेशन। 26 मार्च 2024 को बाल्टीमो अमेरिका में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पटिप्सको नदी में गिर गया, जिसके कारण मैरीलैंड के बाल्टीमो में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। अगला प्रश्न, दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए विश्वास, बी सक्षम, सी शिखर, डी दृष्टि। आंसर बी स।
सक्षम। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान कर सकते हैं। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी मुंबई इंडियंस। आंसर सी सनराइजर्स हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, IPL इतिहास के सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 पर 3 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इससे पहले RCB ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 पर 5 का स्कोर बनाया था। अगला प्रश्न, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? ए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। आंसर डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। ये सड़क अब मनाली लेह और श्रीनगर लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग या जांस्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ए सऊदी अरब, बी बहरीन, सी आर्मेनिया, डी कतर। आंसर ए सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल्ताहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अल्ताहतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। अगला प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, डी बजाज फाइनेंस। आंसर बी भारतीय जीवन बीमा निगम। एक्सप्लेनेशन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC की ब्रांड वैल्यू 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स को 88.3 और संबद्ध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जचेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेता और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान ये शिलालेख मिला। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? ए यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव, बी यीशु के जन्म का उत्सव, सी अंतिम भोज का पालन, डी पुनरुत्थान की मान्यता। आंसर ए यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। एक्सप्लेनेशन, 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है और इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने को याद करते हैं। अगला प्रश्न, तेजस MK-1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? ए इसने सुपरसोनिक यात्रा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, बी ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, सी इसने एक नई स्टील्थ तकनीक का प्रदर्शन किया, डी इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। आंसर बी ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। एक्सप्लेनेशन, 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी। तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध और संचार प्रणाली, अतिरिक्त युद्ध क्षमता और बेहतर रखरखाव की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न, अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? ए मोइन खान, बी नितिन मेनन, सी हबीबुल बाशर, डी शफुद्दौला इब्ने शाहिद। आंसर डी
शफुद्दौला इब्ने शाहिद। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश के शफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन पांचवी बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए केन्या, बी इटली, सी मेक्सिको, डी जापान। आंसर सी मेक्सिको। एक्सप्लेनेशन, मेक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए। पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ए शिव कुमार सिन्हा, बी आदित्य गांगुली, सी टी राजकुमारन, डी पवन दावुनुरी। आंसर डी पवन दावुनुरी। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास के स्नातक पवन दावुनुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दावुलुरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पारखिन का स्थान लिया है। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए मोरारजी देसाई और वीपी सिंह, बी चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, डी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। आंसर बी चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न, गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया है और बेईमानी के आरोप लगे हैं। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रहे। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? ए अरब सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आंसर ए अरब सागर। एक्सप्लेनेशन, 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे का सफल ऑपरेशन चलाकर हाईजैक किए गए ईरानी पकड़ने वाले जहाज अलकम्बर 786 और उसके 23 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को सुरक्षित सोमाली समुद्री डाकुओं से बचा लिया। अगला प्रश्न, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? ए स्टीव स्मिथ, बी हैरी ब्रूक, सी अभिषेक शर्मा, डी केशव महाराज। आंसर डी केशव महाराज। एक्सप्लेनेशन, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के केकेआर ने भी चोटिल मुजीब उर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, बी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, सी जस्टिस अनूप कुमार सिन्हा, डी जस्टिस रमेश मिश्रा। आंसर बी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। एक्सप्लेनेशन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है।